हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ्स वीक है तो ये वैकेंसीज आपके लिए ही हैं। ये जो पांच एग्ज़ाम हैं विदाउट मैथ सब्जेक्ट हैं। पहला एग्ज़ाम है LVS जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन। इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की 10 फेब 2022। NVS नवोदय विद्यालय समिति, इसमें इंग्लिश, GK, कंप्यूटर और बेसिक नॉलेज आएगी। मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट बात यह है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी में 130 क्वेश्चंस आएंगे और मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, जो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। एग्ज़ाम डेट है 9th से 11th मार्च 2022 और एज लिमिट है 27 से 28 ईयर्स ओल्ड। और जो MTS का एग्ज़ाम है उसके लिए 10th पास जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है एग्ज़ाम नंबर 2, UPSC CDS OCA एग्ज़ाम, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। एक साल में 2 बार इसकी वैकेंसीज आती हैं और हर बार 4 डिफरेंट पोस्ट आती हैं। OTA है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। मेल और फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 18th मई 2022 को इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। OTA में मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आता। GK के 100 क्वेश्चन, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन। OTA के लिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास बैचलर डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट है 19 से 25 ईयर्स ओल्ड और सबसे खास बात, हर 6 महीने में इसकी वैकेंसीज आती हैं। अब आते हैं थर्ड एग्ज़ाम पर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 से 2023 में इसकी वैकेंसीज आएंगी और मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जो आप आसानी से कर सकते हो। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, जर्नल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आएंगे और आपको 90 मिनट्स का टोटल समय मिलेगा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। और एज लिमिट है 18 से 25 साल। 12th पास जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है 9 जनवरी 2023। अब बात करते हैं फोर्थ एग्ज़ाम की, इंडियन एयर फोर्स ग्रुप Y एग्ज़ाम। नॉन टेक्निकल है, मैथ के कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे, जर्नल अवेयरनेस और रीजनिंग इन दोनों के 30 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 आएंगे और 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। 25 मिनट्स मिलेंगे आपको इसमें और 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म हैं वो मार्च या अप्रैल में आ सकते हैं। अब आते हैं लास्ट एग्ज़ाम पर, वो है 5th एग्ज़ाम, ESIC स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2022। इसमें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, GK के भी 50 आएंगे और जो इंग्लिश है उसके लिए आपको 70 मिनट मिलेंगे और रीजनिंग के लिए आपको 35 और GK के लिए भी आपको 25। और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 15 फेब 2022 और एज लिमिट है 27 से 28 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन में 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।